वेलकम टू एजी डिजिटल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अस्त्रा थीम को बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए। यदि आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अस्त्रा थीम को बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अस्त्रा थीम का प्रो वर्जन दिखा दूँ कितना मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अस्त्रा थीम का प्रो वर्जन है। यहाँ पे देखिए ये $47 का और वो भी मात्र एक साल के लिए। अगर इसको हम लाइफ टाइम ले कर देंगे तो ये प्राइस हो जाता है आपका $249 लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, वो इस वीडियो के नीचे अस्त्रा थीम के बारे में कोई कमेंट करना है अच्छा सा, जो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये मेरा चैनल है एजी डिजिटल वर्ल्ड, आपको इसको सब्सक्राइब करना है और मैं अपने कमेंट में से केवल 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उन्हें 10 लोगों को अस्त्रा थीम का प्रो वर्जन दूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो उनसे कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस गिवअवे का रिजल्ट आज से ठीक 15 दिन बाद आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको अस्त्रा थीम को अपने वेबसाइट में कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हूँ और ये मेरी वेबसाइट है। तो देख सकते हैं अभी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस थीम आता है वही इंस्टॉल है इसके अंदर। हम यहाँ पर अस्त्रा थीम इंस्टॉल करेंगे तो अस्त्रा थीम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थीम पर क्लिक करिए, आपको यहाँ पर अस्त्रा थीम का फ्री वर्जन मिलता है जिसमें बहुत सारे लिमिटेशन होती है। यहाँ क्लिक करेंगे एड न्यू पे। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है, यहाँ पे अस्त्रा लिखेंगे अस्त्रा और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अस्त्रा थीम है, इसको करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल और इंस्टॉल करने में एक्टिवेट कर देंगे इसको। ये इंस्टॉल हो रहा है, आप ये देख सकते हैं थीम पूरी तरीके से वेबसाइट पर इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब हमारे इस वेबसाइट के ऊपर अस्त्रा थीम सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ डैशबोर्ड क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप वेबसाइट पर आकर रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इस वेबसाइट का पूरी तरीके से लुक चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर अब क्या है कि जब आप इसको कस्टमाइज करेंगे तो आप सबको यहाँ पर बहुत सारा लिमिटेशन दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइजेशन पे तो यहाँ तक पूछेगा प्रो वर्जन के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मोर ऑप्शन अवेलेबल इन अस्त्रा प्रो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खरीदने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको इसका लाइसेंस बिल्कुल फ्री मिल सकता है। बस नीचे में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको अपने वेबसाइट के अंदर अस्त्रा का प्रो वर्जन कैसे एक्टिवेट करना है। सिंपली आप आएंगे प्लगइन पे। प्लगइन में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अस्त्रा थीम का जो प्रो वर्जन का ऐड आना था उसको इंस्टॉल करना है। आप क्लिक करेंगे अपलोड। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पर ऐड ऑन रखा हुआ है उसको यहाँ चूज कर लेंगे। चूज करते हैं फटाक से, अपने यहाँ पर अपने प्लगइन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद बिल्कुल कम समय के अंदर आपके वेबसाइट पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल जैसे हो जाए आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते ही अस्त्रा थीम पर जो हमने फ्री वर्जन इंस्टॉल किया था और वो बिल्कुल प्रो हो गया। आप क्लिक करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर कंसर्न वेबसाइट पर यहाँ पर, और यहाँ पे आते हैं कस्टमाइज में चेक कर लेते हैं क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था वो पूरी तरीके से हट गया है। अब छोटा सा और काम करना है, क्या है वो यहाँ पे आएंगे यहाँ पर और अपने प्लगइन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अस्त्रा थीम पे। इसके सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर जो चीज़ एक्टिवेट करना है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ दिया एक्टिवेट करने के लिए, कलर बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, ब्लॉक प्रो, नेविगेशन प्रो। पर क्लिक करेंगे एक्टिवेट ऑल। एक्टिवेट ऑल पर क्लिक करते ही ये सारी चीज़ एक्टिवेट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारी चीज एक्टिवेट कर लिया, सफलतापूर्वक कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से जो खरीदने के लिए बोल रहा है तो भी खत्म हो चुका है। तो उसी तरीके से करके आप बहुत ही आसानी से अस्त्रा थीम को वेबसाइट यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री है। बस छोटा सा काम करना है, काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे आपको अच्छा सा कमेंट करना है अस्त्रा थीम के बारे में, जहाँ से मैं आपको सेलेक्ट करूंगा। और याद रहे कि मैं यहाँ से केवल 10 लोगों ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। यदि आप अस्त्रा थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरा एक अच्छा सा वीडियो बना हुआ पहले का, उसका लिंक आपको बाय बटन मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप मुझे फॉलो करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही देर बाद मिल जाएगा। अपने किस निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड फाइनली अंकेश कुमारी साइनिंग ऑफ।